हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज देखते हैं, हमने अपना डे शुरू करना है तो निफ्टी आज अप ट्रेंड में ही है। और ये उसने कब डिसाइड किया था, अब आप लोगों को मैं जो बोलना चाहती हूँ रेगुलरली, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम श्योर आप लोगों को अब मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में अच्छे से आ रही होगी। कि ये देखिए, दिस वॉज 28th ऑफ फेबररी, ठीक है। ये 28th फेबररी को 200 मूविंग एवरेज पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। आप देखिए RSI, ये MACD है, MACD ऊपर चला गया नीचे से क्रॉस होके, और ये RSI है, RSI भी क्रॉस होकर 60 इसने यहाँ पे देखिए, इसी दिन इस जगह पे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ पे इसने क्रॉस किया, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, और थोड़ा बड़ा करते हैं यहाँ पे, ये देखिए तो आपको और क्लियरली दिखेगा। ये देखिए RSI ने इस जगह पे 40 अपना जो ओवर सोल्ड का जोन है उसको क्रॉस किया, और उसी समय थोड़ा सा डाइवर्जेंस, बहुत छोटी सी डाइवर्जेंस के साथ इसने किया। ये 200 मूविंग एवरेज है, यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया। हमें कंफर्मेशन यहीं पे मिल रही थी, बट ये भी पता नहीं था, क्योंकि अभी भी पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ रेजिस्टेंस लग सकता था, नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, वी डिडंट नो, ठीक है। बट एट दिस पॉइंट यहाँ देखिए, जैसे ही ये 28 फरवरी को नेक्स्ट डे जब खुला है, फर्स्ट मार्च को जब खुला है, तो आप देखिए इसने दोनों को एक साथ क्रॉस किया, 60 मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस के साथ ऊपर गई है निफ्टी MACD, और ये देखिए ये जो आपका कैंडल्स है, दे आर अबव 10 मूविंग एवरेज, एंड दैट इज वेयर वी शुड हैव एक्चुअली टेकन अ लॉन्ग पोजिशन इन निफ्टी, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे, आप वेट करेंगे कि सब कुछ हो जाए, सपोर्ट लग जाए, MACD क्रॉस हो जाए, RSI ऊपर चला जाए, देन वी विल टेक अ ट्रेड, राइट। सो तो हम थे अपनी निफ्टी पे, राइट। लेट्स सी वंस अगेन निफ्टी का चार्ट, ये निफ्टी का चार्ट है। तो अभी आपको देख के क्या लगता है, हाँ मुझे लगता है कि इसको इसका कोई मूड अभी नीचे जाने का तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, बट देखते कब हम डिसाइड करेंगे कि नीचे जाएगी। एक तो ये MACD ऊपर से नीचे क्रॉस हो जाए, RSI 60 के नीचे चला जाए, एंड ये जो कैंडल्स हैं ये 10 मूविंग एवरेज को छोड़ दे, ठीक है। मतलब फॉर गुड 10-15, मतलब 15 मिनट्स की एक कैंडल है ना, तो एटलीस्ट 3-4 आपको देखना पड़ेगा। कि जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे छोड़ा था, या लेट मी सी सम मोर बेटर दिस थिंग, कहीं पे छोड़ना, इसको अच्छे से छोड़ना चाहिए, 10 मूविंग एवरेज को अच्छे से छोड़ देना चाहिए, और बेस्ट विल बी कोई कैंडल बने जो कि लॉन्ग टेल के साथ बने, दैट गिव्स यू अ क्वाइट क्लियर इंडिकेशन दैट निफ्टी प्लान्स टू गो डाउन, ठीक है। तो अभी आप वेट करिए, आई डोंट सी इट going down in recent this thing, but of course अगर किसी को कोई day trade जैसे किसी को करना है या कोई interested है, then यहाँ पे एक trade था Nifty को buy करने का, यहाँ पे trade था because ये support लगा है, as we've been discussing all throughout, we just have either support or we have resistance, ठीक है। अगर और support और resistance should combine with RSI and MACD, अगर ये चारों चीजें आपकी फिक्स फिट हो जाती है, तो ये फटाफट 10 मूविंग एवरेज भी क्रॉस हो जाएगी, 50 भी क्रॉस हो जाएगी, ये सब कुछ अपने आप इट फॉल इन प्लेस, ठीक है। सो दिस वाज निफ्टी। सो आई एम होपिंग दैट यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन बाय सपोर्ट एंड व्हाट आई मीन बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड आई एम बिलीविंग दैट यू आर ऑल ग्रेजुअली यू नो गेटिंग द हैंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड द सपोर्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं जो बहुत आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आई वांट टू रिवील दैट सीक्रेट टू यू पीपल सो दैट यू कैन ऑल यूज इट। नोबडी एक्चुअली इन द मार्केट ऑफ इन स्टॉक मार्केट रिवील्स देयर ओन सीक्रेट्स, बिकॉज दे बिलीव यू नो दैट्स हाउ दे कैन गैदर द क्लाइंट्स एंड दैट्स हाउ दे कैन अर्न द मनी, बट आई रियली वॉन्ट टू शेयर इट विद यू पीपल बिकॉज I feel all of you should earn money, and I feel that there is when I have say about 10,000 subscriber, I may start with a kind of a service where we take a little charge, maybe some
2,000-3,000 rupees per annum and give you some positional trades. So that is later. Right now I want you people to be educated so that you don't lose money. So here I go. When you have to find out a good stock, what you have to do, type 200 DMA and just click it. Okay, now there is money control also, but what I do, I go to a site called NSC guide, this one, nscguide.com. आप यहाँ पे देखेंगे, इस जगह पे यहाँ पे आपको मिलेंगे ब्रेकआउट्स, पॉजिटिव ब्रेकआउट्स और नेगेटिव ब्रेकआउट्स. सो इफ निफ्टी इज प्लानिंग टू गो अप, यू विल हैव टू लुक फॉर पॉजिटिव ब्रेकआउट्स. ठीक है, और उसमें भी इसने इन्होंने चार ऑप्शंस दिए हुए, 30 DMA, 50 DMA, 150 DMA एंड 200 DMA. द बेस्ट इज यू टेक 200 DMA. ठीक है, 200 DMA पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर निफ्टी ऊपर जा रही है तो आप पॉजिटिव ब्रेकआउट के ग्राफ को क्लिक करेंगे. ठीक है, पॉजिटिव ब्रेकआउट के 200 DMA को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लिस्ट ऑफ कंपनीज आ जाएगी डायरेक्टली. सो देर आर मेनी अदर यू नो वेबसाइट्स वेर यू एक्चुअली हैव टू पुट द यू नो क्वांटिटीज, एंड आई फील ये फटाफट आ जाता है, तो वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम टू फिगर आउट. ठीक है, अब नाउ इसमें कुछ पेनी स्टॉक्स होंगे, जैसे ये देखिए 7 रुपए का है कुछ, और कुछ बहुत बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक्स होंगे. तो आई इग्नोर वेरी एक्सपेंसिव वंस एंड आई इग्नोर द वंस वार विच आर वेरी वेरी चीप, जैसे ये जेनस पेपर एंड बोट लिमिटेड है, इसको मैं इग्नोर कर दूंगी. ठीक है, वॉट आई विल टेक, जैसे अब मैं शुरू से शुरू करती हूँ, हाँ आई विल इग्नोर अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, आर्चीज लिमिटेड, एशियन पेंट्स वी कैन थिंक, एशियन पेंट्स, देन वी हैव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देन वी हैव गणेश हाउसिंग, देन वी हैव, आई आई टेक सम यू नो रिपीटेडली हर्ड नेम्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर लेंगे हम, इंडिया बुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड लेंगे हम, देन वी विल टेक ऑल दीज वी विल स्किप, बट केसोराम इज अ गुड कंपनी, केसोराम इंडस्ट्रीज इज अ गुड कंपनी, देन महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, देन मैक्लॉड रसल वी कैन लुक इन टू, देन यू हैव प्रिज्म सीमेंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं अभी दिखाती हूँ कि मैंने क्यों बताया था, देन सीमेंस लिमिटेड यू कैन सी, देन यू कैन सी यूको बैंक एंड यू कैन सी ऑल दीज. सो यहाँ से आपको एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मिल जाएगी, उसमें से आप 5, 6, 7, 8, 10 जो भी है आइडेंटिफाई कर लीजिए और आप अपने उनको चार्ट पे लगा लीजिए. ठीक है, तो मैंने जैसे ये प्रिज्म सीमेंट लगाया था, राइट. सो प्रिज्म सीमेंट व्हेन आई सेड आई विल टेल यू द रेफरेंस आल्सो, मैंने आपको कब प्रिज्म सीमेंट बोला था, इट वाज समवेयर अराउंड जनवरी, सो आई विल टेल यू, यहाँ से ग्राफ से आपको बताती हूँ मैंने कब बोला था. तो ये प्रिज्म सीमेंट का 1 डे का ग्राफ है, मैंने आपको बताया था जब यहाँ पे थे हम 97 पे थे, 97 भी नहीं थे, हम यहाँ पे कहीं थे 96 पे थे, और वहां से इसने इसके बाद 112 का टॉप लगाया था. ठीक है, तो वहां पे हमको अपना ट्रेड एग्जिट कर जाना था, तो मैंने वहीं से यहीं से देखा था कि कहाँ पे 200 डीएमए का ब्रेकआउट आ रहा है. ठीक है, उसको मैंने ग्राफ 1 डे का ग्राफ लगाया. इफ आई हैव टू टेक अ पोजीशनल ट्रेड आई हैव टू पुट 1 डे. ऑल्सो यू हैव टू सी कि आरएसआई एंड एमएसडी आपको सपोर्ट करने चाहिए, तो मैंने देखा था ये दोनों पॉजिटिव जोन में थे, ये भी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव था फॉर मी, एंड दैट्स व्हाई आई सजेस्टेड यू बाय इट, यू कैन बाय इट. एंड ऑल्सो टू मी ग्राफ मैटर्स अ लॉट, कि डबल बॉटम है या ट्रिपल बॉटम है या रेजिस्टेंस है या क्या है, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है. फिर उसके बाद आज देखिए, आज मैंने इसको फिर ढूंढा तो ये फिर 200 डीएमए के आसपास दिखा रहा है, क्लोजर टू द पॉजिटिव ब्रेकआउट. नाउ आई विल सी कि ये सपोर्ट लेके आ रहा है, 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके आ रहा है, और कहाँ पे खड़ा हुआ है ये स्टॉक, इट्स स्टैंडिंग राइट एट 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे खड़ा हुआ है. ठीक है, अगर 1-2 दिन और ये इस जगह पे खड़ा रहता है और उसके बाद ये 10 मूविंग एवरेज क्रॉस हो जाती है, देखिए एमएसीडी आपको सपोर्ट कर रहा है, एमएसीडी नीचे से ऊपर जा रहा है. ठीक है, और अगर ये भी आरएसआई भी 60 से ऊपर चला जाता है, देन यू विल हैव अ बाय फॉर दिस स्टॉक. ठीक है, दैट वॉज वन. नाउ इसी लिस्ट में से मैंने देखा था यूको बैंक को, तो मैंने यूको बैंक लगाया, एंड यूको बैंक जब मैंने जब आपको प्रिज्म सीमेंट बताया था, तो मैंने इसकी आपकी आपके साथ पूरी फंडामेंटल एनालिसिस भी की थी, तो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट, बट आई विल शो यू यूको बैंक.
सो यूको बैंक भी मैंने कहीं पे लगा रखा है. आई विल शो यू व्हाट्स हैपनिंग इन यूको बैंक. या दिस इज यूको बैंक. ये यूको बैंक का ग्राफ है और थोड़ा सा इसको हम नीचे करते हैं. नाउ दिस इज यूको बैंक, राइट. देखिए कहाँ से इसने गिरना शुरू किया है. अगर आप इसको गिरने वाले पार्ट को भी देखेंगे ना तो आपको क्लियर दिख जाएगा इसने कहाँ से रेजिस्टेंस लिया था. 200 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लिया था. इस एक दो तीन तीन बार रेजिस्टेंस लेके फिर ये नीचे ही चल पाया. आप जब भी देखेंगे इसने रेजिस्टेंस लिया है 50 मूविंग एवरेज से, जब भी आप देखेंगे 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस ही नहीं कर पाया, कभी भी नहीं क्रॉस कर पाया. एट दिस पॉइंट व्हिच इज एट 48 इट क्रॉस्ड 50 मूविंग एवरेज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड देन अगेन फिर नीचे चल पड़ा. आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? आज हम खड़े हुए हैं इस जगह पे, राइट. जब ये एक दो तीन चार चार बार बॉटम लगा के आ चुका है और 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है. नाउ इट इज ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग 200 मूविंग एवरेज. वहां पे भी देखिए इसको कितना रेजिस्टेंस लग रहा है, ठीक है. नाउ आई विल कीप दिस ग्राफ ऑन माय रडार. आई विल वॉच इट फॉर अ व्हाइल बिकॉज दिस इज नॉट अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक. बिकॉज मैंने इसके फंडामेंटल्स भी लगा के रखे हुए थे screener.in पे. तो आप देखिए इसका केवल यू नो इसका जो एक प्रो है, एक तो इसकी मार्केट कैप इज 5,841 करोड़, देन इसकी बुक वैल्यू इज 51.03 एंड करंट प्राइस इज 37.45. दैट्स द ओनली पॉजिटिव पॉइंट इट हैज. बट इफ यू सी इट्स रेस्ट ऑफ इट, इट हैज अ कंटेजेंट लाइबिलिटी ऑफ 66,248 करोड़, लो इक्विटी रिटर्न एंड पुअर ग्रोथ. एंड देन यू सी हियर it has got sales per quarter is this, but I was looking into its net profit which is always negative. पहले बहुत ज़्यादा था 2015 में, तो बहुत ज़्यादा था, फिर इन्होंने और बढ़ गया, फिर अब थोड़ा थोड़ा reduce हो रहा है. And then net profit again for the last two quarters it is on decline only. तो ये मुझे बहुत attractive fundamentally stock नहीं लगता है, but टेक्निकली अगर थोड़ा समय अगर आप कभी खरीदना चाहें, जैसे ये देखिए कि मूवमेंट आ गया था और हो सकता है कि इसके बाद इसके थोड़े जब ये टेक्निकली थोड़ा बेटर हो जाएगा शायद इसके फंडामेंटल्स भी बेटर हो जाए, बट वी विल हैव टू वेट एंड वॉच. सो लेट मी अगेन गो स्टेप बाय स्टेप टू यू पीपल एंड एक्सप्लेन. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट यू हैव टू डू, राइट 200 DMA ऑन योर गूगल्स ब्राउजर एंड देन go to nscguide.com, right? go to nscguide, right? और वहां पे आपको ये सारे ब्रेकआउट्स मिल जाएंगे, पॉजिटिव ब्रेकआउट्स एंड नेगेटिव ब्रेकआउट्स. आपको लगता है निफ्टी बहुत ज्यादा चल चुकी है तो आप नेगेटिव ब्रेकआउट ढूंढिए कि कहाँ पे 200 DMA ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस हो रही है, राइट. एंड देन यू कैन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड टेक योर ट्रेड अकॉर्डिंगली. उसके बाद आप 200 DMA को क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कौन कौन सी कंपनीज है, और उनमें से कुछ कंपनीज पेनी स्टॉक्स निकाल दीजिए, बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक्स निकाल दीजिए, जो मॉडरेट 100-200 की रेंज के स्टॉक्स हैं उनको आप अपने प्लेटफॉर्म पे लगा के देखिए और बार बार देखिए कि कैसा उसका ग्राफ लगता है आपको. डबल बॉटम है, ट्रिपल बॉटम है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, क्या चीज है. उसके बाद आप उसके फंडामेंटल्स देखिए. अगर फंडामेंटल्स में प्रॉफिट पॉजिटिव है, कैश रिच कंपनी है, डिविडेंड अच्छा है एंड इक्विटी पे रिटर्न अच्छा है एंड पी रेशो अच्छा है. पी रेशो मतलब 10-12 तो बहुत अच्छा होता है, बट अगर बिलो 20 है तो वो भी ठीक है. और पीयर कंपनी से उसको कंपेयर करके देखिए, अगर वो सब पैरामीटर्स आपके ठीक बैठते हैं देन यू सिलेक्ट अ स्टॉक. दैट इज हाउ आई डू इट एंड दैट इज हाउ आई गॉट फॉर यू जस्ट डायल, दैट इज हाउ आई गॉट यू रिलायंस इंफ्रा. अगर आप इन दोनों को देखेंगे, इनकी पूरी टेक्निकल एनालिसिस भी मैंने की थी. और इसी तरह मैंने आपके लिए जो और स्टॉक्स ढूंढ के निकाले थे विच इज कर्नाटका बैंक एंड देन आई फाउंड फॉर यू कजारिया सीमेंट, ये सारे मैंने इसी तरह निकाले थे. सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू पीपल गाइज. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज राइट सम कमेंट, मे बी आई विल बी इंस्पायर्ड टू राइट सम डिस्कवर समथिंग न्यू एंड शेयर इट विद यू पीपल. Thank you so much for watching my videos. Thank you so much. If you really like them, please tell others also to watch them. Thank you.